बढ़ते हैं और खबर विदिशा से। दरअसल विदिशा के सिरोंज में कुछ लोगों ने मतदान के वक्त सेल्फी लेकर के उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और इसे प्रशासन ने एक बड़ी लापरवाही तो माना ही और इसको लेकर के अब वो एक्शन भी दिखा रहा है। बता दें कि विदिशा के सिरोंज क्षेत्र में वोटिंग के दौरान ईवीएम के साथ सेल्फी खींचने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों पर अब प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद 17 मतदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संभावना जताई जा रही है कि विदिशा जिले में अन्य विधानसभाओं में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और उनकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हैं जहां मतदान किसी पार्टी को वोट डालते नजर आ रहे हैं मतदाता और इसकी फोटोग्राफ्स सामने आ रही हैं। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत पर प्रशासन ने संज्ञान लिया और 17 लोगों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया में एक फोटो कुछ वीडियो एक चला था, कुछ फोटो भी चले हैं। उस आधार पे जिन्होंने ये वीडियो या फोटो डाले थे उससे सिद्ध हो रहा है कि इन्होंने मतदान की गोपनीयता भंग की है। इसलिए हमने थाना सिरोंज में हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 और भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत इन 17 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें संबंधित पुलिस थाने में इनके विरुद्ध में अब विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन के आदेश पर मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के लिए जो 17 नवंबर को मतदान हुआ था, उस मतदान के दौरान जो गोपनीयता बरती जानी चाहिए इसका कतिपय लोगों ने उल्लंघन किया था और इसमें निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके आधार पर थाना सिरोंज में और थाना विदिशा में अलग अलग 17 और 4 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है कि उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और जो लोक सेवक के आदेश हैं उसका उल्लंघन किया है। इसके आधार पर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा मतदान की गोपनीयता भंग की गई है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर जिस अभ्यर्थी को वोट दिया गया उसका बटन दबाते हुए और वीवीपैट से पर्ची जो निकल रही है वो पर्ची के निकलते हुए वीडियो बनाया गया है। ये निश्चित रूप से मतदान की गोपनीयता का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आईपीसी के सुसंगत प्रावधानों के तहत जननीय है। इसकी जांच एआरओ स्तर पर अधिकारी के द्वारा करवाई जा रही है। जैसे ही हमें रिपोर्ट प्राप्त होती है हम विधि कार्रवाई करेंगे। सर, अपने वोट को सोशल मीडिया पर वायरल करना सही है, अपराध नहीं आता क्या? हाँ, मतदान की गोपनीयता को भंग करना और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत गैरकानूनी है। गैरकानूनी था सर। सर, इसमें क्या इन लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? मतलब क्या इसमें सोशल मीडिया के द्वारा निकाले गए पोस्ट या इसमें? हमारे पास जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही स्पष्ट होगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल होगी।